हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। लास्ट वीडियो में हमने मॉर्फोलॉजी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इसको डिस्कस किया था। आज कॉकरोच की रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन कॉकरोचेस में कैसे होता है बेटा। सो रेस्पिरेशन इन कॉकरोच, जैसे हमारे पास ह्यूमन बींग के पास लंग्स होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस, वैसे कॉकरोचेस के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। तो उनका रेस्पिरेशन जो होता है, दैट सिस्टम वी कॉल ट्रकियल सिस्टम, रेस्पिरेशन थ्रू द ट्रकियल सिस्टम। फर्स्ट MCQ क्वेश्चन यहाँ से आता है बेटा, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट थ्रू ट्रकियल सिस्टम। ओके, सो ट्रकियल सिस्टम का अरेंजमेंट बॉडी के अंदर कैसा होता है देखो। हेड पार्ट, ट्रंक पार्ट, थोरेसिक पार्ट एंड एब्डोमिनल पार्ट, थ्री पार्ट में बॉडी डिवाइडेड है। हेड पार्ट में आपके स्पिरेकल्स, आपके सॉरी ये ट्रकिया गए हुए हैं। एंड ट्रकियल सिस्टम एक्चुअली दो टाइप में डिवाइड होती है कॉकरोचेस बॉडी में। फर्स्ट होती है थोरेसिक ट्रकियल सिस्टम एंड दूसरी होती है एब्डोमिनल ट्रकियल सिस्टम। थोरेसिक ट्रकियल सिस्टम दो पेयर होती है और एब्डोमिनल ट्रकियल सिस्टम की 8 पेयर होती है। टोटल 10 पेयर्स है आपकी, टोटल 10 पेयर्स। पर हमने तो बोला कि एब्डोमिन आपका 10 सेगमेंटेड होता है, तो क्या हर सेगमेंट में ओपनिंग नहीं है? जो ओपनिंग होती है बेटा, उसकी ओपनिंग को स्पिरेकल्स कहा जाता है। स्पिरेकल्स, द ओपनिंग ऑफ द ट्रकियल सिस्टम वी कॉल्ड स्पिरेकल्स। तो फर्स्ट थोरेसिक पेयर जो रहती है, फर्स्ट थोरेसिक पेयर रहती है इन बिटवीन प्रोथोरेक्स एंड मीजोथोरेक्स, एंड सेकेंड पेयर होती है इन बिटवीन मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। सो प्रोथोरेक्स मीजोथोरेक्स के बीच में एक ट्रकियल सिस्टम मिल जाएगी, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के बीच में एक थोरेसिक पेयर मिल जाएगी। एट एब्डोमिनल पेयर होता है, एट एब्डोमिनल पेयर में वर्स्ट सेगमेंट से लेके 8 सेगमेंट तक आपको स्पिरेकल्स देखने को मिलेगी, ट्रकियरी सिस्टम देखने को मिलेगी। 9 और 10 पेयर में वो प्रेजेंट नहीं होती। ओके, सो स्पिरेकल्स आर द ओपनिंग। स्ट्रक्चरली अगर हम इसको देखते हैं, सिंगल पार्ट को देखते हैं, दैट ओपनिंग पार्ट वी कॉल द स्पिरेकल। ये लोकेटेड है प्रोथोरेक्स, ये फर्स्ट रीजन है थोरेक्स का, प्रो मीजो एंड मेटा, ये तीन रीजन है बेटा। तो प्रोथोरेक्स और मीजोथोरेक्स के एंडिंग पे आपको एक पेयर मिलेगी, एक मीजो और मेटा के एंडिंग पे पेयर मिलेगी। तो ये जो दो पार्ट है, दैट दो पार्ट, टू पार्ट्स वी कॉल्ड द थोरेसिक पेयर्स ऑफ द ट्रकियल सिस्टम, थोरेसिक पेयर ऑफ द ट्रकियरी सिस्टम। एंड जो रिमेनिंग पेयर है बेटा, जो आपकी 8 सेगमेंट में है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 सेगमेंट के अंदर जो ओपनिंग मिलेगी, दैट इज द एब्डोमिनल पेयर ऑफ द ट्रकियरी सिस्टम, एब्डोमिनल पेयर। सो व्हाट हैपन, स्पिरेकल्स जहाँ ओपन होती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड द एट्रियम। बट एट्रियम तो पार्ट हर्ट का है, तो डायरेक्टली हर्ट के एट्रियम पार्ट में आपका स्पिरेकल्स ओपन हो रहा है। वहाँ से जो लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट है बेटा, दैट लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट है, दैट लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट वी कॉल्ड द ट्रकिया, दैट लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट वी कॉल्ड द ट्रकिया। सो ये ट्रकिया के ऊपर, जैसे ह्यूमन बींग में ट्रकिया को प्रोटेक्ट किया जाता है कार्टिलेजिनियस रिंग से, वैसे इसके पास भी रिंग रहती है, दैट रिंग वी कॉल्ड द काइटेनियस रिंग, काइटेनियस रिंग। सो द कॉमन स्ट्रक्चर वी कॉल्ड ट्रकिया। देन ट्रकिया अगेन डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ द ब्रांचेस, दैट वी कॉल्ड ट्रक्यूल्स। ट्रकिया ने फिर से डिवाइड किया नंबर ऑफ द ब्रांचेस में, उसे हमने ट्रक्यूल्स कहा। सो ट्रकियोल्स, इसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, इसके थ्रू वो पासअप हो रहे, कहाँ पे पासअप हो रहे, मसल्स जो सेल है, मसल सेल्स का, मसल सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया आपका ये ट्रकिया, यहाँ तक उसकी पूरी काइटेनियस रिंग प्रेजेंट होगी, जिसमें से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। तो दो स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट हो रही है रेस्पिरेशन की, दो स्टेप है। कौन सी स्टेप है? जैसे ह्यूमन बींग में स्टेप से बेटा रेस्पिरेशन की, कौन सी है? एक तो है इंस्पिरेशन
इंस्पिरेशन दैट वी कॉल्ड इनहेलेशन और दूसरी है एक्सपिरेशन दैट वी कॉल्ड एक्सहेलेशन. सो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन ये दो स्टेप्स है रेस्पिरेशन की, जैसे कि ह्यूमन बींग में है. इंस्पिरेशन इज द इनटेक ऑफ गैस और इनटेक ऑफ एयर, एक्सपिरेशन इज द आउट रिमूव द एयर फ्रॉम द बॉडी. तो इंस्पिरेशन ये पैसिव प्रोसेस है बेटा, ये पैसिव प्रोसेस है. एंड एक्सपिरेशन जो है आपकी ये एक्टिव प्रोसेस है. ये क्या होता है, पैसिव प्रोसेस और एक्टिव प्रोसेस क्या होती है. इंस्पिरेशन आपकी पैसिव प्रोसेस है और एक्सपिरेशन एक्टिव प्रोसेस है. पैसिव प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसके लिए एटीपी खर्चा करना नहीं पड़ता. एक्टिव प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसके लिए एटीपी को खर्चा करना पड़ता है, मतलब एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है. तो जब इनहेलेशन करते हैं, जब वो एयर को इनटेक करते हैं, ये पैसिव प्रोसेस है, यहाँ पे एटीपी की ज़रूरत नहीं होती. बट जब वो एक्सहेल करते हैं तब यहाँ पे एटीपी की जरूरत होती है. सो ओके, तो स्पिरेकल से डायरेक्टली एक एक सेगमेंट के अंदर यहां से एयर का इंटेक होगा. एयर का इंटेक होके ये जो ट्रकियली ट्यूब है, ट्रकियरी ट्यूब से वो डायरेक्टली पास आउट होगा और पूरा एक सिंगल सेगमेंट है बेटा. सिंगल सेगमेंट में सिंपल डिफ्यूजन मेथड के थ्रू आपका ऑल सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ट्रकियरी जो सिस्टम है, ट्रकियरी जो नेट है, नेटवर्क है, ये पूरा ऑल ओवर द एट सेगमेंट तक आपका फैला हुआ है, जिसे हमने बोला एब्डोमिनल पार्ट, या जिसे हमने बोला एब्डोमिनल सिस्टम, एब्डोमिनल ट्रकियरी सिस्टम. तो ये पूरे इस एरिया में जितने भी सेल्स लोकेटेड होगी, वो सभी सेल्स के पास, जितनी भी सेल्स होगी उन सभी सेल्स के पास वो सिंपल डिफ्यूजन के मेथड के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू आपका ट्रांसमिट हो जाएगा. सो ओके, हमें पता है कि लंग्स के पास कुछ स्पेशल काइंड ऑफ द मसल्स होती है जिसके थ्रू वो मूवमेंट करता है. वैसी हमारी जो कॉकरोच है बेटा, उसकी बॉडी में भी स्पेशल मसल्स होती है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है. एंड दैट मसल्स वी कॉल्ड मसल्स help in respiration. That muscles we called turgo sternum muscles. That muscles we called turgo sternum muscles. Mean जब turgo sternum muscles contraction होगा तो inhalation होगा, inhalation होगा तो body cavity इनहेलेशन होगा तो बॉडी कैविटी बढ़ जाएगी, एक्सहेलेशन होगा तो बॉडी कैविटी छोटी हो जाएगी. तो ये जो पहले स्पिरेकल से बेटा, आपके थोरेसिक स्पिरेकल जो है आपके, ये जनरल, इन जनरल कंडीशन में हमेशा ओपन कंडीशन में रहते हैं. और जो एब्डोमिनल स्पिरेकल्स होते हैं वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान ओपन एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं. जब एक्सहेलेशन प्रोसेस होती है, एक्सहेलेशन के दौरान कुछ समय तक आपके थोरेसिक स्पिरेकल्स भी क्लोज कंडीशन में जाते हैं, बट इन जनरली वो हमेशा आपके ओपन ही रहते हैं. और बाकी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जैसे होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जैसे होता है, टर्बोस्टर्नम के मसल्स के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस होगी, इसके दौरान, इनहेलेशन के दौरान स्पिरेकल्स बिकम ओपन, एक्सहेलेशन के दौरान देन आफ्टर दैट दे क्लोज हो जाते हैं, एक्सेलेशन के दौरान अगेन दे ओपन. इस तरह से आपका मूवमेंट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द कॉकरोच. यहाँ पे जो एक टेम्पररी ट्रकियरी सिस्टम रनअप करती है, जो आपकी हेड पार्ट जो है बेटा, हेड पार्ट में ऑक्सीजन का सप्लाई करती है, हेड पार्ट में गैसेस का एक्सचेंज करती है. सो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है. हमें याद क्या रखना है, ओपनिंग ऑफ द कॉकरोच कितना है, दो आपकी है थोरेसिक रीजन में, एट सेगमेंटेड है आपके एब्डोमिनल रीजन में. ऑर्गन क्या है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है, दैट ऑर्गन वी कॉल्ड द ट्रकियरी सिस्टम, ट्रकिया के थ्रू हो रहा है. एंड ओपनिंग ऑफ ट्रकिया वी कॉल्ड द स्पिरेकल्स. कितने टोटल पेयर ऑफ द स्पिरेकल्स आर प्रेजेंट, देर आर टोटल 10 पेयर्स ऑफ द स्पिरेकल्स आर प्रेजेंट. दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू एवरीवन.